6 जुलाई साल 1892 को दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले एशियाई थे। महात्मा गांधी से पहले वो भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। दुनिया भर में नौरोजी को जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। 1840 के दशक में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी साल 1892 से साल 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे।